वीर धनुर्धर अर्जुन की कई बार हार भी हुई थी। महाभारत में वैसे तो अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वे युद्ध में सर्वश्रेष्ठ नहीं थे। सच यह है कि महाभारत युद्ध में अनेक योद्धाओं ने अर्जुन को पराजित किया, लेकिन श्री कृष्ण भगवान की सहायता से वह अंत में सब पर भारी पड़े। आपको बता दें कि महाभारत के युद्ध में पांडु पुत्र अर्जुन को कई बार पराजय का मुंह देखना पड़ा था। आइए जानते हैं वीर धनुर्धर अर्जुन को कब कब पराजय का सामना करना पड़ा था। महाभारत के युद्ध में एक बार तो अर्जुन इतना असहाय हो गया था कि घायल अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण ने अपने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा भंग कर भीष्म को मारने के लिए सुदर्शन चक्र उठा लिया था। इसी तरह गुरु द्रोणाचार्य ने भी अर्जुन को महाभारत युद्ध में कई बार हराया था। अर्जुन ने जयद्रथ वध के समय द्रोण को अपराजित माना था और उनसे रास्ता छोड़ने के लिए उनके एक शिष्य जिसका नाम प्रेम था उसका सहारा लेकर रथ पीछे से घुमाकर निकल गए थे। अर्जुन को कर्ण ने महाभारत युद्ध में पराजित कर रण छोड़ने पर विवश कर दिया था। युद्ध के 17वें दिन कर्ण ने अर्जुन को 4 बार हराया। एक बार उसने अर्जुन को अधमरा कर दिया था, लेकिन यहाँ पर भी श्री कृष्ण ने अर्जुन की मदद की थी, जिसके चलते जब कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धस गया, उसे निकालते समय श्री कृष्ण के इशारे पर कर्ण का अर्जुन ने वध कर दिया था। अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध में एक बार नारायण अस्त्र का प्रयोग करके अर्जुन सहित पांडवों की समस्त सेना में हाहाकार मचा दिया था। इस अस्त्र के प्रभाव देखकर सेना रण छोड़कर भागने लगे थे। अर्जुन को अश्वत्थामा ने विराट युद्ध में भी टक्कर दी थी, लेकिन उसके तीरों के खत्म होने पर उसे पीछे हटना पड़ा था। महाभारत में सुधन्वा को धनुर्विद्या की 6 विद्याओं की जानकारी थी। अग्नि अस्त्र के प्रयोग में वह कर्ण और अर्जुन से भी आगे थे। युद्ध में जब अर्जुन के सेना का नाश होने लगा तो यह देखकर अर्जुन ने अपने अग्नि अस्त्र पर अपने समस्त पुण्यों का फल लगाकर छोड़ दिया, लेकिन फिर भी अर्जुन का अग्नेस्त्र विफल हो रहा था। यह देखकर कृष्ण ने अपने पुण्य कर्मों के फल से सुधन्वा के अग्नेस्त्र को निष्फल कर दिया। इतने में मौका देखकर अर्जुन ने सुधन्वा को मार डाला। भागदत्त प्राग ज्योतिषपुर का राजा था। उसके 2 पुत्र भी महाभारत युद्ध में शामिल हुए थे। कर्ण ने इन्हें दिग्विजय में पराजित किया था, लेकिन अर्जुन भागदत्त को नहीं हरा सके। जब उसके साथ 7 दिनों तक युद्ध होने पर भी कोई परिणाम नहीं निकला, तब इंद्र को आकर सुलह करनी पड़ी। अर्जुन को अपने पुत्रों का वध करते देख कर भागदत्त हाथी पर सवार होकर युद्ध करने आए। वे अर्जुन पर हावी हो गए, तब अर्जुन असहाय हो गए थे। इस स्थिति में उन्हें कृष्ण ने बचाया था। भागदत्त के छोड़े हुए वैष्णव को श्री कृष्ण निष्फल कर देते थे, तब अर्जुन भागदत्त की आंख पर बंधी पट्टी तोड़कर वध कर देते हैं। अतिच्युत ने तपस्या करके दिव्य गदा को प्राप्त किया था। इस गदा का जिस पर प्रयोग होता था उसका वध होना निश्चित था। महाभारत युद्ध के 4थे दिन भीष्म घायल हो जाते हैं, तब अतिच्युत अर्जुन से युद्ध करने के लिए आया। उसने पहली तीर का प्रयोग किया, जिसके बाद दिव्यास्त्र और उसके बाद में उसने अर्जुन को मारने के लिए गदा का प्रयोग कर दिया। गदा के प्रहार को श्री कृष्ण ने खुद पर ले लिया और अर्जुन को बचा लिया। इसके बाद अर्जुन ने दिव्यास्त्र का प्रयोग करके अतिच्युत को मार डाला। युद्ध के 13वें दिन त्रिगर्त नरेश शर्मा ने 2000 सेनाओं की सहायता से अर्जुन को बंदी बना लिया था। इस बार भी श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से अर्जुन को बचाया था। दिग्विजय के समय अर्जुन ने सुशर्मा के कुल की स्त्रियों को अपमानित किया था, जिससे क्रोधित होकर उसने महाभारत में दुर्योधन के पक्ष में युद्ध लड़ा था। पांडवों के छोटे भाई सहदेव की पत्नी को एक अति विशाल राक्षस निकुंभ ने हरण कर लिया था। तब अर्जुन कृष्ण और प्रद्युम्न ने इसे मारने का निश्चय किया था, लेकिन इसने अर्जुन को ही अधमरा कर दिया। वह गांडीव छीनकर उन्हें उल्टा लटकाते हुए वध करने जा रहा था कि श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाकर उस राक्षस का वध करके अर्जुन को बचा लिया। महाभारत युद्ध के बाद की एक घटना यह है कि एक बार लुटेरों ने कृष्ण की पत्नियों का अपहरण कर लिया और अर्जुन को बंदी बना लिया था। तब कृष्ण की पत्नियों ने ही अर्जुन को मुक्त कराया था। इसके बाद दुखी अर्जुन ने बची हुई स्त्रियों और बच्चों को लेकर हस्तिनापुर का राज त्याग दिया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।